Good morning, students. Today we are going to start a new topic, that is the sexually transmitted diseases. AIDS is a acquired amino deficiency syndrome. ये किसकी वजह से spread होता है? AIDS का जो causative agent है वो क्या है? HIV. HIV क्या है? एक retrovirus है, एक RNA virus है, ठीक है? और जिसका नाम क्या है? Human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus. ठीक. एड्स एक ऐसी डिजीज़ है, क्रॉनिक इन्फेक्शनस डिजीज़ है, जो किस वजह से कॉज होती है? HIV की वजह से कॉज होती है. एड्स फाइनली क्या करती है? जो इम्यूनिटी है ह्यूमन बीइंग की, उसको डिस्ट्रॉय करती है. मतलब अब कोई भी तरह का इन्फेक्शन होगा, चाहे बुखार, खांसी, जुकाम, कुछ भी, वो उसको उस ह्यूमन बीइंग को आके या उस पेशेंट को आके, जो एड्स का पेशेंट है, उसको जल्दी से आके क्या करेगा? इफेक्ट करेगा. मतलब अब किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, वो उससे जल्दी क्या होएगा? उस प्रॉन टू इन्फेक्शन होगा उस चीज़ के जो पेशेंट होगा. तो अब उसने क्या कहा, व्हेन इम्यून सिस्टम बिकम सीवियरली वीकेंड, जब ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और उस पर्सन को मल्टीपल सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे. मतलब हर टाइम पे, जब कहते हैं ना, अब बुखार का सीज़न, अब जुकाम का सीज़न, वायरल चल रहा है, तो हर चीज़ उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है, और इम्यूनिटी वीकेंड हो जाए, तो वो क्या, उस केस में हम क्या कह सकते हैं, पर्सन इज़ सेड टू बी हैविंग एड्स. इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि जिसको वायरल हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि उसको एड्स भी हो. नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ एड्स किस की तीन तरीकों में डिवाइडेड है. कौन कौन सी? सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है, उसके बाद प्लेसेंटल इन्फेक्शन, तीसरा है इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ है, तो इट मे हैव द पॉसिबिलिटी कि दैट द पर्सन में जनरेट व्हाट द एड्स. मतलब उसको खतरा हो सकता है कि उसको एड्स हो जाए, राइट. सेकेंड केस कौन सा है? जो प्लासेंटल इन्फेक्शन. प्लासेंटा किसे कहते हैं? प्लासेंटा इज अ कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसे बोलते हैं, वो किसके बीच में? मदर और फीटस के बीच में एक ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उनके ट्रांसमिशन के लिए क्या है, एक कनेक्शन है. तो अब अगर इसी प्लासेंटा में, अगर मान लो मदर को एड्स के इशू है, मदर को एड्स की प्रॉब्लम है, तो इट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि वो क्या हो जाए, वो किसको ट्रांसमिट हो जाए, द चाइल्ड को ट्रांसमिट हो जाए, उसके फीटस को ट्रांसमिट हो जाए. तो इट इज़ ड्यू टू व्हाट? द प्लासेंटल इन्फेक्शन. फर्स्ट वॉज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेकेंड वॉज प्लासेंटल इन्फेक्शन, एंड थर्ड इज इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन, या ट्रांसफ्यूजन भी बोल सकते हैं. ट्रांसफ्यूजन मतलब अगर किसी एक ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन को किसी भी तरह की एड्स की ऐसी कोई दिक्कत है, और उसी का ब्लड अगर किसी और ह्यूमन बींग को चढ़ा दिया जाए, या फिर कोई नीडल्स के थ्रू चला जाए उसकी बॉडी के अंदर, तो दैट इज़ नोन एज व्हाट? इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन. किसी भी वे में हो सकता है कोई. अब आते हैं सिम्टम्स पे. सिम्टम्स इंक्लूड व्हाट? फीवर, चिल्स, सो थ्रॉट, जॉइंट पेन्स, बॉडी एक्स, टायर्डनेस, ठीक है, वीकनेस, वेट लॉस, स्वोलन लिम्फ नोड्स. लिम्फ हमें पता है, स्वोलन लिम्फ नोड्स, हमने पहले भी लिम्फ के बारे में बात की थी, ठीक है. फटीक और रैश, अगर इनमें से किसी भी चीज़ में तुम्हें प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मैसेज मी और राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. अब तक हम लोगों ने बात की थी कि सिम्टम्स क्या हैं, तो अब हम बात करते हैं कि लेट स्टेज सिम्टम्स क्या रहेंगे, कि क्या प्रॉब्लम आएंगी जब बहुत टाइम निकल जाएगा, और उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि एक पर्सन इज़ बीन सफरिंग फ्रॉम एड्स, ठीक है. तो ऐसा हो सकता है कि ही मे डेवलप व्हाट? ब्लड विजन. ब्लड विजन मतलब धुंधला दिखाई देना, ठीक है. फीवर हो सकता है, ड्राई कफ रह सकती है, सूखी खांसी जिसे बोलते हैं, नाइट स्वेट, नाइट रात में पसीना आना बहुत ज़्यादा, राइट. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का फूलना जिसे बोलते हैं, सांस ढंग से ना ले पाना, ठीक है. वेट लॉस हो सकता है, लॉस इन एपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है, लॉस इन एपेटाइटिस हो सकता है, और ईसोफेगाइटिस हो सकता है. इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस का क्या हो जाना, स्वोलन हो जाना, ईसोफेगस को इन्फ्लेमेटेड हो जाना, दैट इज़ नोन एज ईसोफेगाइटिस, ठीक है. इन्फेक्शन ऑफ CNS, किसी भी तरह का न्यूरॉन्स का इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, ठीक है, और निमोनिया हो सकता है, टेक्सोप्लास्मोसिस हो सकता है, ठीक है, और TB हो सकता है. मतलब ये बहुत सारे, जो हमने किसकी बात की थी, हमने सिंड्रोम की बात की थी. तो अब जब बहुत सारे सिम्टम्स इकट्ठे मिल जाते हैं, दैट इज़ नॉन एज अ सिंड्रोम, ठीक है. अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की. इंक्यूबेशन पीरियड कैसा है फॉर एडल्ट्स, इसका कितना है? 8 to 10 years अप्रॉक्स, पता भी ना चले शायद, 8 से 10 साल के किसी एक पर्सन को एड्स
शायद डेवलप हो गई है बॉडी के अंदर या उसको इन्फेक्टेड है उससे. और फॉर चिल्ड्रंस क्या है, बिलो 5 ईयर्स तो 2 साल, दो से 3 साल की एज में पता चल जाता है कि एड्स का ऐसा कोई इशू है, बिकॉज दे मे सफ़र विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द ब्लड. उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा इशू, ब्लड कम बनना शुरू हो गया, अनीमिया जिसे बोल देते हैं, अनीमिया होना शुरू हो जाता है. तो बच्चों में थोड़ा सा जल्दी पता चलता है, बट एन अडल्ट मेल और फीमेल मे नॉट हैव एनी सिम्टम्स. ठीक है, थोड़े दिन बाद शायद सिम्टम्स रह के और उसके बाद डिसअपियर हो जाएंगे. यहाँ पे लिखा भी हुआ है दीज सिम्टम्स में डिसअपियर आफ्टर अ फ्यू वीक्स, और ऐसे ही एडल्ट को लगे कि अब ही और शी इज़ फाइन. बट दिस इज़ नॉट द राइट केस, के हो सकता है कि दे मे हैव डेवलप्ड द इम्यूनिटी डिसऑर्डर. ठीक है, जिसकी वजह से दे मे सफ़र आफ्टर 5 to 10 ईयर्स, तब उन्हें जाके पता चले कि उनको ऐसी कोई डिजीज़ है. पीपल रिमेन अनअवेयर फॉर ईयर्स दैट दे गॉट इन्फेक्टेड विद एड्स. ठीक है, उनको पता भी ना चले कितने सालों तक कि वो किससे इन्फेक्ट हो गए हैं, एचआईवी वायरस से इन्फेक्ट हो गए. अब हमें मेन इसमें जो फोकस करना है, इट इज़ वॉट ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द वायरस. ठीक है, हमें उनकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी है. लेट अस गो टू दैट. लेट इस नाउ स्टडी अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द वायरल रेप्लिकेशन, कि अब जो ये वायरस है वो कैसे रेप्लिकेट होता है. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो वायरस होता है इट हैज़ एन एबिलिटी, उसके पास एक अच्छी एबिलिटी होती है उसकी, कि वो जब नॉन लिविंग पे है तो वो नॉन लिविंग की तरह रिएक्ट करता है, जैसे ही उसे फॉर अपनी कंडीशंस, एग्जैक्ट कंडीशंस मिल जाती हैं रेप्लिकेटिंग. अब क्या है ये हमारा, लेट अस सी कि ये एक वायरस है. ठीक है, ये जो इसके बाहर ये प्रोटेक्शन की लेयर्स प्रेजेंट है, इसकी जो प्रोटेक्टेड लेयर है वो उस सर्फेस पे एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, GP120. ठीक है, GP120 बोल दो, प्रोटीन है ये एक तरह का. ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एक न्यूक्लियो कैप्सिड प्रेजेंट है. न्यूक्लियो कैप्सिड मीन्स अ बैग काइंड ऑफ अ बैग, जिसके अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट है, आरएनए वायरस प्रेजेंट है. ठीक है, कौन सा, एचआईवी वाला आरएनए वायरस. ठीक है, और क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये एक तरह का, दिस इज व्हाट एन एंजाइम. ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट था, GP120, दूसरा एक न्यूक्लियो कैप्सिड था जिसके अंदर दो चीज़ें थी, कौन कौन सी, आरएनए था और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था. ये जो एचआईवी वायरस है, जब ये किसके सेल के कांटेक्ट में आता है, ये जैसे ही बॉडी में एंटर करते हैं ना, ये पूरी बॉडी के अंदर घूमने फिरने चला जाता है. अब जब ये घूमने फिरने जाता है ना, तो इसको मिलते हैं कुछ सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स. ये हमारे कौन से सेल्स हैं, ये वो इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी में काम करते हैं, जो हमारे शरीर को किसी भी चीज़ से बचाते हैं, वो डिफेंस मैकेनिज्म वाले सेल्स. ठीक है, जैसे ये इनके पास जाता है ना, उन सेल्स के पास एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है CD4 रिसेप्टर. इसी रिसेप्टर के साथ एक लिंक्ड रिसेप्टर होता है, इसको बोलते हैं को रिसेप्टर. इसी रिसेप्टर के साथ एक लिंक्ड रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है CCR5. CCR5 ध्यान से देखेंगे, ये वायरस कहाँ एंट्री करेगा, एक मैक्रोफाज में एंट्री करेगा. ये मैक्रोफाज क्या है, इसके ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है सरफेस पे, ये वायरस इसके बिना अंदर एंट्री नहीं कर सकता. तो ये क्या करता है, ये जाके लिंक होता है किस पे, इस CD4 रिसेप्टर पे, जिसके पास इस CD4 रिसेप्टर के पास एक लिंक्ड रिसेप्टर है, इसको को रिसेप्टर बोलते हैं, CCR5. ये जैसे इसके साथ लिंक होके और इस वायरस को एक अपनी कैप्सिड में बांध देता है, मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बांध के और अंदर एंट्री करवा देता है सेल के. सेल के अंदर जैसे ही ये एंटर करता है, ये अपने आप को दो टुकड़ों में बांट लेता है जो कैप्सिड में थे, कौन से, जो कैप्सिड में थी चीज़ें उनमें तोड़ लेता है. कौन कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था उनके अंदर, यस. और दूसरी चीज़ कौन सी थी, इसमें वायरस था, वही जो आरएनए वायरस था जो एचआईवी का वायरस है. अब ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम होता है कि वो मल्टीपल कॉपीज बनाता है. उसने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने इस आरएनए वायरस की क्या बनाई, एक डीएनए कॉपी बनाई. ठीक है, एक डीएनए कॉपी बनाई. ठीक है, और उसी के बाद ही एक नेक्स्ट स्ट्रैंड, अभी उसका एक स्ट्रैंड बनाया था, नेक्स्ट में क्या बनाया, एक दूसरा स्ट्रैंड और बनाया. आगे देखते हैं, अब हमारे पास दो हेलिकल स्ट्रैंड, सिंगल हेलिकल स्ट्रैंड आ गए. अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए है, दे कंबाइन टू फॉर्म अ डबल हेलिकल डीएनए, डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए बना लेंगे ये.
जो ये नया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना है ये क्या करेगा, ये उस सेल के अंदर, उसके सेल के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एंटर करेगा। जैसे ये उस न्यूक्लियस, जो होस्ट सेल का न्यूक्लियस है उसमें एंट्री करेगा, वो क्या कर लेगा, उसके बीच में जाके कहीं पर भी जुड़ जाएगा। मतलब इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करना। कहाँ, किसी के होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर इंटीग्रेट कर दिया उसने अपने खुद के, किसको, डीएनए को। एक डीएनए का स्ट्रैंड था मान लो ये, ठीक है, एक डीएनए का स्ट्रैंड था पूरा। पहले वो स्ट्रैंड टूटा दो हिस्सों में, ठीक है। उस दो हिस्सों में टूटने के बाद जो ये आरएनए वाला स्ट्रैंड था, ये एचआईवी वायरस वाला स्ट्रैंड, इस जगह जाके लग गया। अगर इसके बारे में ज़्यादा पता करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं तुम्हें बताऊँगी कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब क्या हो रही है, यहाँ पे ये जाने के बाद, अभी हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पढ़ा था, अब क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी। और क्या होगा, जो वायरल डीएनए था वो क्या बना लेगा, एक वायरस आरएनए। वही जो वायरस डीएनए है वो क्या बना रहा है, वायरस आरएनए, और किसकी मदद से, ट्रांसक्रिप्शन की मदद से, ठीक है। जो ये वायरल आरएनए बना है ये क्या करेगा, अब नए प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा, नए प्रोटीन पार्ट्स की। धीरे धीरे वैसे ही वही कैप्सिड बनेंगे, वही आरएनए वायरस बनेगा, वही आरएनए वायरस के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनेगा। सब चीज़ें वैसे ही बनेगी, जब ग्लाइकोप्रोटीन सब चीज़ें बन जाएंगी तो एक नया वायरस का स्ट्रक्चर तैयार होगा। और वो क्या करेगा, वो स्ट्रक्चर फाइनली जो हमारे मैक्रोफाज की जो लेयर है, जो मैक्रोफाज की लेयर है, उसके अंदर से क्या निकल जाएगा, रप्चर करके निकल जाएगा। और जब ये जो वायरस है, ये जो स्ट्रक्चर बन के रप्चर करके निकल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो बार बार सेल्स को तोड़ रहा है, किसकी मदद से, एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस मतलब बाहर की तरफ निकलना, तोड़ के किसी चीज़ को निकलना, दैट इज़ नॉन एज एक्जोसाइटोसिस, ठीक है। अब जब भी ये हर बार मैक्रोफाज को तोड़ के निकलेगा तो वो क्या करेगा, उस सेल को रप्चर करेगा, और उसी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो जो होती है वीक होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही सारे सेल्स रप्चर हो जाते हैं और क्वांटिटी किनकी बन जाती है, एचआईवी सेल्स की क्वांटिटी हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाती है, और हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं, जो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म के सेल्स हैं, वो टूटने शुरू हो जाते हैं। ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद इसके जो ट्रीटमेंट्स हैं वो मैं चाहती हूँ कि आप खुद मैसेज करें एक पीडीएफ बना के ग्रुप में।